ट्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस हिप बोन की पेन की वह कंडीशन है जब बोन के ओवर यूज के कारण बोन के ग्रेटर ट्रोकेंटर में फ्लूइड फिल्ड सैक्स आ जाते हैं और यह बोन के मूवमेंट को रिटार्ड करते हैं। आज हम साथियों जॉइंट के मूवमेंट को रिटार्ड करते हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे ट्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। काट नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे ट्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस के विषय में। ट्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस यानी हिप बुर्साइटिस वह स्थिति होती है जब किसी मरीज के जो हिप बोन का ग्रेटर ट्रोकेंटर का हिस्सा होता है, यानी कि हिप बोन जो यूँ होती है, जो निकला हुआ हिस्सा साइड का होता है, इसमें फ्लूइड सैक्स आ जाते हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ हिप बोन के। इसी स्थिति को साथियों प्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस कहते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे प्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में कुछ कारगर दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं ट्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस को ठीक करने की, यानी हिप बोन में जो बुर्साइटिस हो जाए उसको ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों बुर्साइटिस के केस में आती है कि मरीज को बुर्साइटिस हो और उनके जहाँ पे सूजन आ गई हो, पोटेंशियल फ्लूइड सैक्स बन गए हो, वहाँ पे बहुत इन्फ्लेमेशन हो। तो अगर टेंडरनेस और इन्फ्लेमेशन की स्थिति और बुर्साइटिस है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्टिक्टा पल्मोनेरिया। स्टिक्टा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा बुर्साइटिस के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में, पोटेंशियल फ्लूइड सैक्स के डिपोजिशन के केस में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि बुर्साइटिस का केस हो, पोटेंशियल फ्लूइड सैक्स बन गए हो और वहाँ पे चुभन और जलन हो रही हो, स्टिंगिंग एंड बर्निंग हो रही हो, तो यदि बुर्साइटिस की यह स्थिति है साथियों तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एपिस मेलिफिसिया। एपिसमेल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा बुर्साइटिस के केस में रिलीफ देगी जहाँ पे बर्निंग है और जहाँ पे स्टिंगिंग टाइप पेन है। एपिस के मरीज को साथियों प्यास नहीं लगती है, यह थर्स्टलेस रेमेडी होती है। एक स्थिति साथियों आती है बुर्साइटिस का केस है और बहुत तेज पेन उस स्थिति में होता है जब मरीज चलना शुरू करता है, यानी एग्रावेशन होता है जब मरीज रेस्ट से मूवमेंट की ओर बढ़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों जिसमें कि मोशन से एग्रावेशन हो रहा हो, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बुर्साइटिस के केस में दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है जब चलने से मरीज को आराम मिलता हो, जब वो बैठते हो तो उनके बहुत तकलीफ होती हो, फिर जब चलना शुरू करते हो और 10 कदम चल लेते हो तो उनको आराम मिलना शुरू हो जाता हो। तो अगर बुर्साइटिस का ऐसा केस हो साथियों तो उस स्थिति में होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस टॉक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों बुर्साइटिस का केस हो, फ्लूइड सैक्स आ गए हो लिगमेंट्स में और रात में तकलीफ बढ़ती हो, रात में दर्द बढ़ता हो, रात में स्टिफनेस बढ़ती हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों कि नाइट एग्रावेशन हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली आयोड। काली आयोड 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा रात में जो बुर्साइटिस में एग्रावेशन होता है उसमें रिलीफ देगी।
एक स्थिति आती है साथियों, जब बुर्साइटिस का केस हो और जरा सा बेंडिंग होती हो, झुकना होता हो या दो जॉइंट्स को पास में लाना होता है, फोल्डिंग ऑफ जॉइंट्स हो करते हो तो पेन बहुत बढ़ जाता हो। तो जब बेंडिंग ऑफ जॉइंट्स या फोल्डिंग ऑफ जॉइंट्स करने पे अफेक्टेड एरिया में पेन बढ़ जाता हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रूटा ग्रैनुलेंस। रूटा 200 पावर में दो दो बूंदे में तीन बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक साथियों सेंसेशन आता है बुर्साइटिस में कि लगता हो जहाँ पे जॉइंट्स चाहे रिस्ट हो चाहे एल्बो हो चाहे शोल्डर हो चाहे हिप हो चाहे नी हो चाहे फुट हो, लगता हो कि एक बैंड से बांध दिया गया, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक टाइट बैंड लगता है बांध दिया गया। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलिस पर्निकस। बेलिस पर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है यदि बुर्साइटिस का केस हो और जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्शन हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है बुर्साइटिस के केस में कि मसल्स का एग्जॉशन हो रहा हो, मसल्स में फटीग आ रहा हो, जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो गया, बुर्साइटिस हो, पेन हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है लाइकोपर्सिनम। लाइकोपर्सिनम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है बुर्साइटिस का केस हो यानी ओवर यूज का केस हो और उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो आ गया हो और जॉइंट्स में क्रैकिंग हो रही हो मूवमेंट पर, तो अगर यह स्थिति हो बुर्साइटिस की तो साथियों इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है कैल्केरिया फ्लोरिका। कैल्केरिया फ्लोर 6x में 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम ली जा सकती हैं। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी जॉइंट में चोट लगी हो उसके बाद बुर्साइटिस हो गई हो, उसमें फ्लूइड फिल्ड सैक्स आ गए हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्निका। आर्निका 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। अगर किसी जॉइंट को इंजरी पहुंची हो और उसके बाद उसमें बुर्साइटिस हो गई हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों बुर्साइटिस की कंडीशन हो और बहुत डल और हेवी टाइप पेन आ रहा हो, लग रहा हो कि जहाँ पे बुर्साइटिस हो वहाँ पे वजन रख दिया गया, तो अगर यह स्थिति हो हेवीनेस की साथियों तो इस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है स्लैग। स्लैग 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों राइट साइडेड जॉइंट्स में बुर्साइटिस हो, तो अगर यह स्थिति हो कि किसी जॉइंट के राइट साइडेड जॉइंट में बुर्साइटिस हो तो उसको मैनेज करने की कि जब मैं पेशेंट जरा सा मूवमेंट करता हो करवट भी लेता हो तो जान निकल जाएगी, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है सेंगोनेरिया नाइट्रिकम। सेंगोनेरिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। दवाएँ साथियों कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा क्योंकि ट्रोकेंटेरिक बुर्साइटिस एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। हमें यह वीडियो साथियों आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट पोर्शन में लिख के बस बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।